हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मस्ती कर रहे होंगे। और गाइस, आज की वीडियो का टाइटल आप लोग देख के समझ गए होंगे कि फ्रेंड्स आज हम किस टॉपिक पर फ्रेंड्स बात करने वाले हैं। और गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, तो गाइस स्पेशली गर्ल्स के लिए जो फ्रेंड्स जिनके पास मेकअप का सामान बिल्कुल नहीं होता, और फ्रेंड्स खासकर जैसे गाँव में लड़कियाँ होती हैं, उनके पास फ्रेंड्स इतना ज़्यादा मेकअप का सामान नहीं होता है, या फिर होता है तो उसको कैसे यूज़ करना है, तो शायद बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो घबरा जाती हैं कि यार कैसे करें, पहले क्या लगाएं। और आजकल फ्रेंड्स वेडिंग सीजन चल रहा है, अभी तो वेडिंग सीजन चल रहा है फ्रेंड्स सीजनल, और गर्मियों में फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमारा जो मेकअप होता है चिपचिपा जाता है, चिपक जाता है। और गाइस, आज की वीडियो देख के आप लोग एक लाइट वेट में आप अपना मेकअप कैसे कर सकते हैं, और फ्रेंड्स एकदम बहुत हैवी मेकअप नहीं, आपका नेचुरल लुक होगा। और फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा, पसीने में चिप चिप नहीं होगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, और काला पड़ जाता है, काला या ग्रे हो जाता है। सो गाइस, आज की वीडियो के बाद देखने के बाद आपका मेकअप भी काला नहीं पड़ेगा। सो गाइस, लास्ट तक वीडियो वॉच करिएगा। अब हम देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना फेस वॉश करना है। मैंने तो अभी फेस वॉश किया हुआ है, और गाइस मैंने फेस वॉश करके, ऐसे फ्रेंड्स गर्मियाँ हैं तो सब लोग मुल्तानी मिट्टी, फ्रेंड्स नॉर्मली मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं। मैंने ना हमेशा भिगो के रखती हूँ, मेरी भीगती रहती है। सो गाइस, सबसे पहले हम मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पर लगाएंगे। फ्रेंड्स ये क्यों ज़रूरी है, फ्रेंड्स हमने अभी पानी से सिर्फ फेस वॉश किया है, और फ्रेंड्स जैसे कि मेरी स्किन ऑयली है, और इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स ये है ना कि जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए बहुत ही स्पेशल फ्रेंड्स ये मुल्तानी मिट्टी होती है, जो आपका स्किन ऑयल रिड्यूस करता है। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा उसको सोख लेती है मुल्तानी मिट्टी यूज़ करेंगे एज अ क्लिनजर। तो गाइस इसको अप्लाई करते हैं अपने फिंगर से अपने फेस पे। एज अ क्लिनजर आपको मुल्तानी मिट्टी फेस पे लगाना फ्रेंड्स, और आंखों को फ्रेंड्स हमें छोड़ के बहुत नीचे, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे सूखता है ना तो आपकी स्किन को टाइट करता है, तो हमारी आंखों के पास बहुत सॉफ्टली स्किन होती है, तो फ्रेंड्स आपको ना थोड़ा सा दूर से लगाना है। अगर आपके पास फ्रेंड्स मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप इसकी जगह में फ्रेंड्स रोज़ वाटर आपके पास है अवेलेबल, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो नॉर्मली सबके घर में होता है। सो गाइस, आपके अगर पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप रोज़ वाटर से अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। एक कॉटन की हेल्प से आप इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे फेस को, और अपना नेक एरिया और अपने ये कान को बिल्कुल स्किप नहीं करना फ्रेंड्स, अच्छे से फ्रेंड्स क्लीन करना है। सो गाइस, अभी तो मैंने लगाया, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा ना स्किन ऑयली है। सो गाइस, अगर आपकी बहुत ज़्यादा रूखी स्किन है तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लिनजर। सो गाइस, हमने फर्स्ट स्टेप को अप्लाई कर लिया है फ्रेंड्स, अभी छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट। जैसे ही सूख जाएगा इसको हम ठंडे नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। और गाइस देखिए, मैंने कर लिया फ्रेंड्स फेस वॉश, और गाइस हमारा ना फर्स्ट स्टेप जो क्लिनजर का था, फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट। और फ्रेंड्स आपको सेकेंड स्टेप पर क्या करना है गाइस, अगर आपके घर में फ्रिज है तो गाइस ये एक छोटा सा आइस का टुकड़ा लेना है, जैसे मेरे पास है, ये पिघल गया गाइस। और गाइस इसको ना अपने फेस पे ऐसे, सो गाइस ये सबसे ज़्यादा हमारे फेस को, यानी कि जो हमारे फेस पे मेकअप अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा उस पर रोल प्ले करता है कि हमारा फ्रेंड्स मेकअप काफ़ी टाइम तक फ्रेंड्स लॉन्ग टाइम तक चलता है और टिका रहता है फ्रेंड्स। और इससे ना गाइस देखिए, फेस पे अप्लाई किया आइस को, कैसे आपको ना सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा आँखों में और थोड़ा सा फोरहेड पे, पूरे फेस पे आइस को सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेनी है आइस क्यूब की मदद। सो गाइस सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, और फ्रेंड्स थर्ड स्टेप पे हमें यूज़ करना है ये एलोवेरा जेल। और गाइस मेरे पास यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल है, ऐसा आपको टोनर यूज़ करना है इसको। सो गाइस मैं थोड़ा सा लूँगी यहाँ पे एलोवेरा जेल जी,
इतना, और बस 5 से 6 ड्रॉप्स में लूँगी रोज़ वाटर। अब इस दोनों को अपनी पाम में ऐसे रगड़ते हुए अपने फेस पे, अभी हमने लगा लिया एज अ टोनर रोज़ वाटर और मैंने लगाया फ्रेंड्स एलोवेरा जेल। सो गाइस इसका क्या काम है, इसका क्या यूज़ है फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेकअप करते हो तो आपका फेस पे जो आप मेकअप अप्लाई करते हो सो गाइस वो फटाफटा सा होता है, कुछ टाइम बाद वो काला पड़ जाता है। सो गाइस इससे ना आपका जो मेकअप होगा वो फ्रेंड्स फटाफटा नहीं दिखेगा और काफ़ी स्मूथली, यानी कि आपको जो नेचुरल ग्लो होता है इससे कि आपको नेचुरल। और फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे छोटा सा है दाना, दो हैं, सो आपका फ्रेंड्स मेकअप बिल्कुल फटेगा नहीं इससे और एक नेचुरल ग्लो देगा गाइस। सो गाइस ये थर्ड स्टेप भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और गाइस आप चलते हैं फोर स्टेप पे। और गाइस अभी मैंने अपने बालों को भी सिक्योर कर लिया फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम अप्लाई करने वाले हैं। सो हमें लगाना है फ्रेंड्स, अभी लगाना है हमारा फोर्थ स्टेप। फर्स्ट स्टेप पे फ्रेंड्स हमने मुल्तानी मिट्टी एज अ क्लींजर, सेकंड पे हमने किया आइस थेरेपी जो कि हमारे मेकअप को लॉन्ग टाइम तक फ्रेंड्स आपके फेस पे टिका के रखेगा, थर्ड पे हमने फ्रेंड्स एज अ टोनर के रूप में हमने एज अ टोनर फ्रेंड्स हमने यूज़ किया गुलाब जल और ये एलोवेरा जेल। अब गाइस है फोर्थ स्टेप जो कि आपके मेकअप के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फोर्थ स्टेप पे हम लेंगे लक्मे का सनस्क्रीन फ्रेंड्स, सो ये गाइस। और फ्रेंड्स देखिए, सो गाइस इसको हम लगाएंगे फेस पे। नेचुरल ग्लो टाइप का है देखिए। और सो गाइस फिफ्थ स्टेप है हमारा फाउंडेशन, और गाइस यहाँ पे मैंने लिया है ब्लू हेवन का फाउंडेशन फ्रेंड्स, बहुत ही मिनिमम प्राइस में है ये, 40 से 50 रुपीज़ में गाइस आ जाता है नॉर्मल। सो आपको इतना छोटा सा एकदम कि मैं जो फेस वॉश यूज़ करती हूँ मैंने उसी से इसको अच्छे से धुलना है, पानी बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, और हल्का फ्रेंड्स इसको गीला रखना ही है क्योंकि बहुत ही। बहुत ही अच्छे से देखिए शेड हो चुका है। और गाइस आप इसको और भी अच्छे तरीके से पाउडर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो फ्रेंड्स आप कोई भी घर का जो यूज़ करते हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो गाइस मैं थोड़ा सा भी जो घर का पाउडर होता है गाइस वही उसी को थोड़ा सा और लगा के फ्रेंड्स हल्का सा ब्लेंड करूँगी। तो गाइस इस थोड़े से पाउडर से मैं हल्का हल्का गाइस हल्का हल्का एकदम पाउडर से इसको और अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ।
सो गाइस अगर आपकी आईलेसेस अगर भारी नहीं है और या फिर कम है तो गाइस आप ना करिएगा क्या, आपको रोज़ वाटर, क्योंकि फ्रेंड्स जितना हमें अपना मेकअप ना एकदम कम चीज़ों में अच्छे से करना है। और सो गाइस हम लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो ना सिर्फ इसीलिए है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फ्रेंड्स आप कैसे मेकअप कर सकते हैं और अच्छा एकदम नेचुरल ग्लो के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं दोनों को मिक्स कर लिया गाइस, और देखिए यहाँ पे लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स कुछ कुछ फाउंडेशन हमारी आंखों की आईलेसेस पर लग जाता है, तो गाइस आप ना ऐसे क्योंकि इसकी पलके फ्रेंड्स भारी हो गई है। सी गाइस आप कोई मस्कारा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही अपने लिप पे यूज़ करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ना कोई लिपस्टिक वगैरह यूज़ नहीं करती अपने फेस पे। मेरा फाइनल लुक और गाइस आप लोग के सामने है। सो गाइस आप लोगों को कैसा लगा आज मेरा ये थोड़े से आपके प्रोडक्ट्स में अच्छा मेकअप एकदम ग्लो वाला, नेचुरल ग्लो वाला कैसा लगा कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। और कुछ ऐसा है मेरा फाइनल लुक, तो गाइस आप लोग भी कमेंट करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने सिर्फ क्रीम, फाउंडेशन और फ्रेंड्स रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल से ही अपना इतना अच्छा मेकअप किया फ्रेंड्स। आप किसी पार्टी में अटेंड कर सकती फ्रेंड्स ऐसे, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ना हैवी मेकअप पसंद भी नहीं करती मैं। और गाइस आप ना यहाँ पे मेरे पास फ्रेंड्स लिपस्टिक या लिप बॉम नहीं है, तो गाइस आप लिपस्टिक और लिप बॉम यूज़ कर सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी कमेंट करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, लव यू टू, बाय।